For more Bollywood gossips, hit the bell icon and never miss an update from Movies Adda. अभी तक वीकडेज पर लड़ाई होती थी, रेगुलर एपिसोड में लड़ाई होती थी, आज वीकेंड का वार पर इतनी बड़ी लड़ाई हो गई कि सलमान को खुद कहना पड़ा कि आप जैसे लोगों को मैं अपने घर पे ना रखूं। किसके बारे में बात कर रही हूँ मैं बात कर रही हूँ रश्मि देसाई सिद्धार्थ शुक्ला की। जी हाँ, वेल हेलो गाइज, वेलकम टू मूवीज अड्डा। मैं हूँ ज्योति नाहक। बिग बॉस के घर में वीकडेज पर तो आपने लड़ाइयाँ देखी होगी, लेकिन वीकेंड पर इतनी बड़ी लड़ाई हो जाएगी ये किसी ने नहीं सोचा था। जिस तरीके से रश्मि देसाई और सिद्धार्थ शुक्ला बातों ही बातों में एक दूसरे से लड़ रहे थे, लड़ते लड़ते में रश्मि ने चाय, गर्म चाय सिद्धार्थ पर फेंक दी गुस्से में, विच इज टोटली रॉन्ग, टोटली अनएक्सेप्टेड। आप ऐसा कैसे कर सकती हो किसी के भी साथ? उसके बाद से कहीं ना कहीं जिस तरीके से उन्होंने चाय फेंकी, सिद्धार्थ अग्रेसिव होकर सामने आए, गुस्से में आए, अरहान बीच में आ गए, उन्हें धक्का मारने लग गए। सच में ऐसा लगता है कभी कभी पूरा घर मिलकर एक इंसान को टारगेट कर रहा है, विच इज स्टूपिड अकॉर्डिंग टू मी। और जब अरहान जब बीच में आए, उसके बाद काफ़ी लोग बचाने के लिए भी आए बीच में, शहनाज, माहिरा, इन सभी लोगों ने लड़ाई सॉर्ट आउट कराने की कोशिश की, लेकिन बात बहुत बढ़ चुकी थी बातों ही बातों में भी। इनफैक्ट अगर मैं बात करूं, रश्मि ने काफ़ी कुछ कह दिया। सिद्धार्थ ने कहा तुम्हारी जैसी लड़कियां हमारे यहाँ नहीं होती, वैसे ही रश्मि ने भी कह दिया कि हाँ तुम्हारी माँ नौकरानी होगी, फैमिली तक चली गई रश्मि देसाई। कहीं ना कहीं ये अग्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और दोनों में से एक को तो बाहर आना ही पड़ेगा, वरना हाथापाई तो पॉसिबल है। आपका क्या कहना है इस चीज पर? आपको कौन सही लगता है, सिद्धार्थ शुक्ला या रश्मि देसाई? ये आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। दिस इज ज्योति नाहक साइनिंग ऑफ।